बंदे मातरम दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल गोपाल गोराई में स्वागत है। आज हम लोग JCERT क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर करेंगे, चैप्टर 3। तो देखिए, चैप्टर 3 का नाम है मिठाई वाला। उसका सबसे पहले देखते हैं अभ्यास। एक नंबर प्रश्न है, मिठाई वाला किस तरह से अपने आगमन की सूचना देता था? उत्तर है, मिठाई वाला बड़े मादक और मधुर स्वर में गा कर अपने आगमन की सूचना देता था। दो नंबर प्रश्न है, बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे? उत्तर है, बच्चे मिठाई वाले के पास खींचे चले आते थे क्योंकि वह हर बार नई नई चीज़ें लाता था तथा बड़े ही मादक व मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था तथा उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। वह कभी गुस्सा नहीं करता था तथा कम लाभ में ही बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। तीन नंबर प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर है, मुरली वाला खिलौने वाले की तरह ही गा कर मुरली बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। चार नंबर प्रश्न है, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने किस कारण ऐसा कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा? उत्तर है, कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। पाठ से आगे। एक नंबर प्रश्न है, फेरी वाले ऐसी ऐसी आवाजें लगाते हैं कि न चाहने पर भी बच्चे और बड़े उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। फेरी वाले कैसी कैसी आवाजें लगाते हैं, सूची बनाएं। फेरी वाले निम्न तरह की आवाज निकालते हैं, जैसे चुड़िया ले लो, चुड़िया रंग बिरंगी चुड़िया ले लो, कपड़े वाला आया देखो कपड़े वाला आया, बड़े बूढ़ों एवं बच्चे सबके सुंदर कपड़े लाया, फल ले लो फल, ताजे मीठे फल ले लो, खाकर खुद को स्वस्थ बना लो, आदि आदि। दो नंबर प्रश्न है, मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कैसे कम करता है, लिखिए। उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला अपने खोए बच्चों को गांव घर के बच्चों में ढूंढा करता था, बच्चों को अत्यंत कम दाम में ही कभी बांसुरी तो कभी खिलौने तथा कभी मिठाई दे जाता था। उसे लगता था कि वह अपने बच्चों को ही सारी चीजें दिया करता है। तीन नंबर प्रश्न है, बताइए फेरी वाले किस प्रकार हमारे मददगार है? उत्तर लिखेंगे, फेरी वाले हमें घर बैठे ही सारी चीजें को पहुंचा जाते हैं, हमें बहुत सारी काम की चीजें अपने घर में ही देकर जाते हैं और हमें हर बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं होती, इससे हमारा समय भी बचत होता है। चार नंबर प्रश्न है, फेरी वाले से विजय बाबू मोलभाव करते हैं, क्या फेरी वाले से मोलभाव करना उचित है? पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर लिखेंगे, फेरी वाले से हमें मोलभाव कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि वह बहुत गरीब होते हैं तथा सुबह से शाम तक गांव में गली गली घूम घूम कर सामान बेचते हैं और अपने बाल बच्चों व परिवार का भरण पोषण करते हैं, अतः हमें उनसे मोलभाव नहीं करना चाहिए। अनुमान एवं कल्पना। एक नंबर प्रश्न है, परिवार के बारे में पूछने पर मिठाई वाले ने बताया कि मेरा भी भरा पूरा परिवार था पर समय की गति विधाता की लीला अब कोई नहीं। अनुमान लगाए उसके परिवार के साथ क्या हुआ होगा? उत्तर है, उनका परिवार किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हो चुका होगा अथवा किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त कर चुका होगा, उनके परिवार के साथ चोर डाकू अथवा अपराधियों ने हमला कर दिया होगा, आदि। दो नंबर प्रश्न है, मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, बताएं उसने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की तस्वीर दिखाई दी होगी, दादी में अपनी माँ नजर आई होगी, आदि।